नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपका आज की इस वीडियो में, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस समय हर किसी के मन में यह सवाल है कि आखिर यह अग्निपथ योजना है क्या और क्यों इसका इतना ज़्यादा विरोध किया जा रहा है। साथ ही आज इससे जुड़े कुछ मिथ्स और फैक्ट्स जानेंगे। तो दोस्तों, यदि बिल्कुल आसान भाषा में बताऊँ तो अग्निपथ योजना भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसमें सरकार का प्लान है कि युवाओं को भारतीय सेना में 4 साल के लिए भर्ती किया जाएगा व जवानों को अग्निवीर के नाम से जाना जाएगा। इस योजना का अर्थ यह भी है कि 4 साल के बाद भर्ती हुए 25% युवाओं को आगे सेना में मौका मिलेगा और बचे हुए 75% युवाओं को नौकरी छोड़नी पड़ेगी। नौकरी छोड़ते वक्त सरकार उन्हें पैसे देगी व नौकरी ढूंढने में कुछ हद तक उनकी मदद भी करेगी। इसी वजह से तैयारी कर रहे युवाओं द्वारा इसका जोरदार विरोध किया जा रहा है। अब दोस्तों, जान लेते हैं इससे जुड़े फैक्ट्स और मिथ्स यानी भ्रम जो लोगों के मन में इस योजना को लेकर हैं। दोस्तों, सबसे पहला भ्रम तो यह है कि इससे अग्निवीरों का भविष्य असुरक्षित है। जी नहीं दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस योजना के अंदर अग्निवीरों के लिए वित्तीय पैकेज योजना है, साथ ही पढ़ाई के लिए 12वीं कक्षा के बराबर सर्टिफिकेट दिया जाएगा, ब्रिजिंग कोर्स की सुविधा होगी व CAPF और राज्य पुलिस में भर्ती के मौके मिलेंगे। दूसरा भ्रम है कि अग्निपथ के कारण नौकरी की कमी होगी। दोस्तों, ऐसा नहीं है, बल्कि युवाओं के लिए सेना में नौकरी के अवसर बढ़ेंगे। सेना में अग्निवीरों की भर्ती 3 गुना हो जाएगी। सभी को लग रहा है कि इससे रेजिमेंट के भाईचारे पर असर पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि इस व्यवस्था से सबसे उत्कृष्ट अग्निवीरों का चयन होगा, जिससे यूनिट में तालमेल बढ़ेगा और भाईचारे को मजबूती मिलेगी। लोगों को लग रहा है कि अग्निवीर अपरिपक्व व अनुभवहीन रह जाएंगे, जबकि ऐसा नहीं है, क्योंकि 21 या 23 वर्ष की उम्र में पूर्ण परिपक्वता होती है। पूरी दुनिया की सेनाएं युवाओं पर निर्भर हैं, साथ ही युवाओं व अनुभवियों का 50-50% मिश्रण रहेगा। कुछ लोगों के मन में तो यह भी भ्रम है कि अग्निवीर देश व समाज के लिए खतरा हो सकते हैं। जी नहीं दोस्तों, फैक्ट तो यह है कि सेना के जवान कभी भी देश के लिए खतरा नहीं हो सकते। सेना की वर्दी पहनने वाले जिंदगी भर देश के लिए समर्पित रहते हैं। दोस्तों, एक भ्रम यह भी है कि इतनी बड़ी बात को लेकर पूर्व सैन्य अधिकारियों से चर्चा नहीं की गई। जी नहीं दोस्तों, इस योजना को लेकर पूर्व सैन्य अधिकारियों से विस्तार से चर्चा की गई है, जिसमें सभी ने इसे एकदम सही कदम बताया है। साथ ही आपको यह भी बता दें कि अग्निपथ योजना का जो ड्राफ्ट है वो मिलिट्री के ऑफिसर्स के द्वारा ही तैयार किया गया है। तो दोस्तों, ये थी कुछ भ्रांतियाँ जो हमारे मन में इस योजना को लेकर थीं, जिसे हमने फैक्ट्स के थ्रू दूर करने की कोशिश की है। इस वीडियो का मकसद सिर्फ और सिर्फ अग्निपथ योजना की सच्चाई को बताना था, ना कि किसी भी युवा को ठेस पहुंचाना, तथा सारी जानकारी भारत सरकार के द्वारा जारी की जा चुकी है। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें व इसे शेयर करके सभी को इस योजना की सच्चाई से अवगत कराएं। हो सकता है जल्द ही इन विरोधों का समापन हो। इस वीडियो में इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।